हेलो हाँ जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे एच एस से ग्रुप डी के ऊपर कि ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम कब होगा कितने पदों पर यह भर्ती की जाएगी और पैटर्न क्या अपनाया जाएगा सिलेबस क्या रहने वाला है और ग्रुप डी के फॉरम कब भरे जाएंगे जो पहले भर रखे हैं उनमें करेक्शन कब होगा आज चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया है इंटरव्यू लिया गया है ठीक है तो उसके हिसाब से चेयरमैन साहब ने जो इंटरव्यू में बयान दिया है जो स्टेटमेंट दी है उनके हिसाब से हम बातें करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा फॉरम कब भरे जाएंगे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है सिलेबस क्या रहने वाला है यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और नॉलेज टीवी वी देशताओ यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना यदि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है वहां पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ ठीक है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यदि आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने वाले हैं तो ग्रुप डी के लिए टीचर गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड यहाँ पे भी सारे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है पी एच डी वाले भी टीचर इसके अंदर पढ़ा रहे हैं तो बेहतरीन टीम के साथ हमने कोर्स निकाला हुआ है आप ज्वाइन कर सकते हैं के टी डी टी एप पे जाके अब चलते हैं जी देखिए तो आज चेयरमैन साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर सबसे पहले तो एच ग्रुप डी के जो फोरम है वो कब भरे जाएंगे तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि दो तीन दिन के अंदर हम पोर्टल ओपन करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर रखा है वे करेक्शन कर पाएंगे अपडेट कर पाएंगे अपना डाटा और जो फ्रेशर बच्चे हैं यदि वे अब फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रुप डी भर्ती के लिए पहले नहीं भरा हुआ वे बच्चे फॉर्म भी भर पाएंगे ठीक है तो दो तीन दिन में आपका ये ग्रुप डी का पोर्टल आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में बात आती है एग्जाम डेट की तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि मार्च में हमारा पूरा फोकस है एग्जाम करवाने के ऊपर मार्च में पूरा फोकस है एग्जाम करवाने के ऊपर और जो चार पाँच मार्च है और दस ग्यारह मार्च है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाए यदि कोई और समस्या नहीं आई तो अभी ऑफिशियल आपस में डील नहीं हुई है वर्बली एन ने ये बोल रखा है कि इस डेट में हम करवा सकते हैं यदि आपका सब कुछ तैयार है तो ठीक है तो आप बस दोनों का आ, फाइनल होना बाकी है कि और उसके बाद में ये लिखित में आपको नोटिस जारी कर देंगे तो एग्जाम डेट आप कब के मान के चलो मार्च के हिसाब से आप अपनी तैयारी है उसको प्लान कर लो ठीक है एग्जाम डेट की और ग्रुप डी के जो फॉरम है बताया जा रहा है कि दस से बारह दिन का ही टाइम दिया जाएगा ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना वो सारे रेडी करके रख लो किसी का ई का है या भाई कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है वो सारी चीजें फैमिली आईडी है फैमिली आईडी में नाम वाम है ये सारी चीजें अभी से आप सही करके रख लो ठीक है उसके बाद में बात आती है पैटर्न की और सिलेबस की तो चेयरमैन साहब ने ही कहा है कि इस बार भी हम पंद्रह प्लस जो पंद्रह प्लस वाला सिस्टम है ना जो आपका पंद्रह पंद्रह वाला पैटर्न जो आपके सीई टी के सी लेवल में जो आया था ना सेम वही पैटर्न इसके अंदर हम अपनाने वाले हैं लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है जो सिलेबस का लेवल है वो क्या करेंगे जी थोड़ा सा हम लो रखेंगे क्योंकि जो पिछली भर्ती थी वो आपकी किसके बेस पे थी वो थी ट्वेल्थ बेस पे जो आपका सीई का जो पेपर हो चुका है वो मुख्यतः जो पैटर्न बताया गया है वो ट्वेल्थ लेवल का बताया गया है ठीक है लेकिन जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती है वो किसकी है वो है जी आपकी टेंथ लेवल की क्या है जी टेंथ लेवल की भर्ती है तो इस बार जो आपका पंद्रह प्लस पंद्रह यानी कि मैथ भी पंद्रह का इंग्लिश भी पंद्रह की हिंदी भी पंद्रह की और सारी चीज आपकी पंद्रह पंद्रह की यहाँ पे रहने वाली है ठीक है तो दसवीं लेवल का आपका क्या है सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है और चेयरमैन साहब ने कहा है कि सिलेबस का जो डिफिकल्टी लेवल है जो क्वेश्चन का वो हम थोड़ा सा लो रखेंगे एज कंपेयर सी सी लेवल ठीक है तो यहाँ पे यदि हम उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से लें तो सिलेबस क्या रहेगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा थोड़ा सा लो रहने वाला है लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात आपको क्लियर करना चाहूंगा जो पीछे हुआ था वो एक सिर्फ कॉमन एग्जाम था डायरेक्ट भर्ती नहीं थी क्या थी डायरेक्ट नौकरी नहीं थी जो उसमें डायरेक्ट नौकरी नहीं थी लेकिन अब जो ये डी का एग्जाम होने वाला है इसमें क्या है डायरेक्ट आपको नौकरी मिलने वाली है जी क्या है डायरेक्ट नौकरी मिलने वाली है तो जरूरी नहीं है कि ये थोड़ा सा मुश्किल दे दिया और ये डी लेवल का है तो आसान दे, दे देंगे जरूरी नहीं है थोड़ा सा लेवल अच्छा भी रखा जा सकता है इसका ठीक है लेकिन आ, अच्छे लेवल में भी लेवल आपका स्टैंडर्ड का ही रहेगा दसवीं स्टैंडर्ड का ही रहेगा ठीक है, है तो ये बात थी आप सभी के लिए ठीक है ग्रुप डी के फोरम हो गए नए लोग फॉर्म भर पाएंगे दस बारह दिन फॉर्म भरवाए जाएंगे एग्जाम डेट अभी आप एग्जाम मान के चलो मार्च के आ, फर्स्ट या सेकंड वीक के आसपास

अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा यदि आप सौ प्रतिशत मेहनत कर सकते हैं यदि आप अपने आप पर सौ प्रतिशत काम कर सकते हैं तो ये बैच स्पेशल आपके लिए है यदि आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप बैच कहीं से भी ले लीजिए कोई भी ले लीजिए आपका कुछ नहीं हो सकता ठीक है यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा ठीक है के डी पे और ये नंबर है मेरा इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं सत्तर पंद्रह चौबीस चौतीस और दूसरा नंबर है जी आपका सत्तर छप्पन जीरो तिरतालीस इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं ठीक है जी धन्यवाद भगवान की लिए आप सभी का समय शुभ रहे